किससे उम्मीद है, क्या लगता है पब्लिक किसे चुने? आपको सच बात बताना चाहूंगी कि हम जो हमारी उम्मीद बीजेपी से, अगर हम बीजेपी को वोट देते हैं तो हम कृष्ण पाल गुर्जर की तरफ से नहीं देते हैं, हम देते हैं अपने नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। कारण क्या है वो थोड़ा सही है, ये कृष्ण पाल गुर्जर तो बस अपनी बिरादरी को ही देखता है, उधर ही तरक्की करा रहा है, इधर को जाए नहीं। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस के टाइम में महंगाई तो होती है पर काम धंधा तो होता ही है, काम धंधा कुछ है ही नहीं है, लोग खाली घूम रहे हैं। करें तो सत्ता को जवाब देना चाहिए। मोदी के इतने अनगिनत काम है, क्या कांग्रेस ने मान लिया किसी को? वो तो सारे इकट्ठे होकर नहीं मान रहे। कांग्रेसियों को 5 काम जो बेहतर हुए हो ताकि कांग्रेसी सुने हमारे जैसे। कांग्रेस को तो सब पता है कि अच्छे हुए, आपको भी पता है हमें भी पता है, ये तो कह रहा हूँ, तो आप जवाब दीजिए उनको। आप अपनी, अगर आपके कहीं पर ये लगता है कि काम ऐसा नहीं है जो देश हित के लिए नहीं, सारा देश हित के काम है, सारे गिल्लो हमारी तरफ से, तो मोदी के सारे काम बढ़िया है। क्या नाम हुआ आपका? भारती। भारती जी, क्योंकि चुनाव चल रहा है, ठीक है, महिलाओं की भी एक बड़ी भूमिका चुनाव में रहती है, ठीक, आधी आबादी हैं आप, क्या लगता है कि इस बार कौन बेहतर हो सकता है? एक तरफ तो बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, बीजेपी से कृष्ण पाल गुर्जर हैं और कांग्रेस से महेंद्र प्रताप है, किससे उम्मीद है, क्या लगता है पब्लिक किसे चुने? मैं आपको सच बात बताना चाहूँगी कि हम जो हमारी उम्मीद बीजेपी से, अगर हम बीजेपी को वोट देते हैं तो हम कृष्ण पाल गुर्जर की तरफ से नहीं देते हैं, हम देते हैं अपने नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। हाँ जी, बाकी हमारे एरिया में यहाँ पे महेंद्र प्रताप जी ने ज़्यादा अच्छा काम किया है, लेकिन हम वोट फिर भी मोदी जी को इसलिए देना चाहेंगे क्योंकि सेंट्रलाइज अगर देखा जाए, केंद्रीय के हिसाब से देखा जाए, तो हमारे को मोदी जी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं और उन्होंने हमारी उम्मीद को खराब भी उतारा है। हाँ जी, आप ये कह रही हैं कि मोदी से बैर नहीं, कृष्ण पाल गुर्जर की खैर नहीं, तो ये ऐसा क्यों, मतलब कृष्ण पाल गुर्जर ने क्या कामकाज नहीं करा है, वजह क्या? नहीं देखिए, हमारे को जो हमने यहाँ पे देखा है स्थिति में, अब आप देखेंगे यहाँ पे जो मेन रोड है, मेन रोड पे भी बारिश के टाइम पे भी जितना वो होता है, अब आप दिल्ली में भी देखोगे और जगह पे भी आप देखोगे, दिल्ली वगैरह में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे MCD वगैरह से परमिशन ली जाती है कि घर के आगे ऐसे कोई खुदाई कर ले, तो हमारे यहाँ पे इस चीज़ का कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, जब मर्जी लोग खुदाई कर लेते हैं, उसके वजह से क्या होता है, नेबर्स में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, इस चीज़ के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता कभी भी, जबकि ये मेन चीज़ है, ट्रैफिक चलता है, सब कुछ है, ये 22 फुट रोड हमारा मेन रोड है, यहाँ से निकलता है ये रोड मेन रोड है, यहाँ पे कोई भी अभी बारिश के टाइम पे इतना पानी भर जाता है, बाइक्स हैं डिग्स में जली जाती हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता कोई भी इस चीज़ को लेके, तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब फरीदाबाद में जो है एज सच काम बीजेपी कर रही है, बट हाँ ठीक है कांग्रेस इतना अच्छा कर रही है, हम ये नहीं कहते, बट हम फिर भी वोट बीजेपी को ही देंगे क्योंकि हमारे को सेंटर से ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पहले है ना हमारे लिए, बस इसे। मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि मोदी के प्रभाव के कारण कृष्ण पाल गुर्जर को वोट मिल जाते हैं, उनके नाम पर वोट मिलेंगे, तो मुझे ये बताएं कि 10 साल का मोदी जी का शासन हो गया है, ठीक है, 10 साल का, उससे पहले मनमोहन जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस का शासन था UPA का, तो दोनों शासन में से आपको कौन सा बेहतर लगता है, और जो बेहतर लगता है उसके 5 काम आप यदि मुझे बता पाएं कि ये बहुत बेहतर हुए हैं, इसके बारे में हाँ केंद्र सरकार को लेकर इस बारे में पब्लिक को सोचना चाहिए कि ये काम बेहतर हुए हैं इसलिए वोट दें। सबसे पहला तो यही है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कभी भी किस धर्म को लेके कभी भी उन्होंने ये नहीं किया कि हम इस धर्म के लिए काम करेंगे या हम इस धर्म के लिए किया है, उन्होंने सब पूरी जनता को एक समझ के काम किया है जो भी काम किया है, ठीक है। दूसरा, उन्होंने राजस्थान में एक भाषण दिया इसी चुनाव में, उन्होंने ये कहा कि वो जो ज़्यादा बच्चों वाले हैं, मतलब एक किस्म से उन्होंने इंगित करने की कोशिश की, वहाँ पर दर्शाने की कोशिश की कि किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह की बात आपको लगता है कि देश के मुखिया को करनी चाहिए, क्योंकि देश का मुखिया जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर होता है, उसके लिए सब समान है, इस तरह की बात तो नहीं होनी चाहिए? देखिए सर, ये आपकी बात मैं सही है मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी मतलब अपने भाषण में जो भी स्पीच देते हैं उसमें से मैं मान सकती हूँ चलो 1% अगर वो कुछ ऐसा कह भी देते होंगे तो 99% वो हमेशा जनता के साथ ही बोलते हैं और जनता के साथ ही खड़े रहते हैं और उन्हें रियल सिचुएशन जो लाइफ में होती हैं, जो समाज में हो रही है, उसी को लेकर वो जो है अपने निर्णय लेते हैं। हाँ जी, 5 काम आप बता रहे थे मुझे कि 5 काम ऐसा तो नहीं आपको बता पाऊंगी क्योंकि मैं जल्दी में भी हूँ, बट मैं ओवरऑल यही कहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री अभी तक हमें ना मिला है और ना कभी होगा।
एक बात बताएं मुझे, क्योंकि काफ़ी युवा इस बात की शिकायत करते हैं, नरेंद्र मोदी जी से खफा हैं युवा इसलिए कि उनको रोज़गार नहीं मिल पाया। लोगों का कहना है कि नौकरी कम मिली, दूसरा कुछ लोगों का ये भी कहना है उसमें महिलाएं भी शामिल हैं कि महंगाई थोड़ी तकलीफ दे रही है, वो दिक्कत कर। नहीं सर, हम ये तो नहीं कह सकते कि नौकरी नहीं मिली है लोगों को, प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी कुछ किया है, ऐसा तो नहीं है कि नौकरी नहीं मिली है। SC और ST के लिए भी काफ़ी अपलिफ्टमेंट उन्होंने किए हैं, काफ़ी रूल्स एंड वो बनाए हैं। बाकी अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने काफ़ी एक अच्छा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम कहें तो उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें निकाली। अब परीक्षा पे चर्चा पे वो जब अपना भाषण दे रहे होते हैं उस टाइम पे भी वो काफ़ी अच्छी बातें बताते हैं बच्चों को, जिनसे बच्चे जो हैं थोड़े इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। आजकल आप देखिए जितने केसेस पहले आते थे सुसाइड के बच्चों के 10th के रिजल्ट के बाद 12th के, अब वो कम होते जा रहे हैं। वो शायद इसीलिए कि नरेंद्र मोदी जी का जो एक काउंसलिंग सेशन जो हम कह सकते हैं होता है बच्चों के लिए, वो इतना अच्छा होता है कि मतलब बच्चे उससे इंस्पायर ही होते हैं और पेरेंट्स भी इस बात को मानते हैं कि हाँ जी अगर हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है या मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि वो थोड़े से सेटिस्फाइड इसलिए भी रहते हैं कि एटलीस्ट हमारा बच्चा इस सिचुएशन में नहीं जाएगा कि वो सुसाइड करे या कुछ करे, कि उनको एक अच्छी मोटिवेशन मिल जाती है कि जिससे बच्चा थोड़ा मेहनत कर लेते हैं। कि उसका प्रभाव पड़ता है। हाँ जी, पड़ता। दूसरा मैं महंगाई के बारे में आपसे पूछ रहा था, क्या महंगाई परेशान करती है क्या? सर देखिए महंगाई अगर वैसे तो परेशान करती है ऐसा नहीं कह सकते हम, नहीं करती है, बट फिर भी अगर नरेंद्र मोदी जी अगर हम ये कहें कि उन्होंने इस चीज़ को लेके कुछ मतलब महंगाई को लेके कुछ अगर किया है तो वो हमारी बेनिफिट के लिए भी किया है। हम ये नहीं कह सकते कि महंगाई बढ़ी है तो हम लोग बिल्कुल रोड पे आ गए। हमारे लिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना भी निकाली है, पहले किसी ने नहीं निकाली, प्रधानमंत्री आवास योजना भी निकली है। गरीबों के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए भी उन्होंने ये क्या नाम है मकान वगैरह दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि महंगाई है। अब आजकल तो थोड़ा सा हो गई कि, और आजकल अगर महंगाई है तो उस हिसाब से उन्होंने नौकरियां भी निकाली है। सर आप कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ गई तो महंगाई? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। हाँ, प्राइवेट में या गवर्नमेंट? नहीं, प्राइवेट लिमिटेड। अब चुनाव है, ठीक है, चुनाव में क्या लगता है कि आपका मन क्या कहता है? एक तरफ BJP है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन या कांग्रेस, आपके यहाँ से महेंद्र प्रताप हैं और उधर कृष्णपाल गुर्जर हैं, दोनों की क्या लगता है कि मुकाबला कड़ा है या फिर लगता है नहीं कोई आगे है साहब, मुकाबला है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुकाबला तो है लेकिन कृष्णपाल जी अपनी सीट ले जाएंगे, निकाल लेंगे। कृष्णपाल आगे हैं आप? हाँ, क्योंकि जो मोदी फैक्टर है वो बहुत पूरे देश में बहुत अच्छा माना जाता है और राष्ट्रवाद के नाम पे ही हमारी मतलब हमारी और लोगों की भी वोट जाती है। तो मेरे हिसाब से मोदी जी के नाम पे, कृष्णपाल जी को इतना अच्छा काम उन्होंने इतना करा नहीं है लेकिन फिर भी मोदी जी के नाम पे हमारी वोट BJP को। नरेंद्र मोदी के 10 साल के 5 काम आप बेहतरीन जो आपको लगते हो कि ये काम उन्होंने बेहतर किए हैं, इनको जनता को देखना चाहिए और उस आधार पर वोट करनी चाहिए, वो बताएं। देखिए जी, जो एक तो जनधन योजना बनाई इन्होंने, जो खाते खुलवाए हैं, एक तो वो, उससे क्या फ़र्क पड़ा मैं ये जानना, जो वो निःशुल्क वो जो खाते आज हम खुलवाते हैं तो उनके हमारे हमको 5-10 हज़ार या 10 हज़ार रुपये मतलब पैसा नहीं देना पड़ा आपका बैंक में खाता? हाँ, वो बैंक में खाता खुल जाता है और उसमें उन खातों में रकम भी मोदी जी ने डाली थी। और दूसरा रकम डाली जो गरीबों के लिए जो जनधन खाता जो बना था उनके उसमें पैसा भी डला था, मतलब अलग अलग योजनाओं के तहत आप ही बेनिफिट मिल रहा है? हाँ, उनको मिलता है। और दूसरा जो 5 लाख का इन्होंने करा है जो मेडिकल का आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना जो उनको दी है। तीसरा जो राम मंदिर के हमारी आस्था से जो हमारा हिंदुओं का जुड़ा हुआ है, कोर्ट का फैसला है वो सरकार का? देखो कोर्ट का फैसला तो, लेकिन उसके लिए लड़ाई किसने लड़ी आप जानते भी हो, लड़ाई किसने लड़ी? तो ये हो गया। चौथा हमारा जो 370 इन्होंने 370 हाँ, और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जैसे नेशनल हाईवे हमारे बन रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और जो रोडें भी हैं हमारी अंदर की भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने करा है। आप जैसे युवाओं की एक शिकायत है कि साहब रोज़गार की बात हुई थी, 2 करोड़ के रोज़गार की बात की थी मोदी जी ने, वो वादा पूरा नहीं किया। दूसरा लोग कह रहे हैं कि एक तो रोज़गार नहीं है, दूसरा महंगाई भी दिक्कत कर रही है। सर देखो जी, अगर आप सिलेंडर की बात करें तो 2012 का इंटरव्यू है, एक कांग्रेसी नेत्री थी तो उन्होंने उस टाइम 900 रुपये का सिलेंडर था, 900 रुपये का सिलेंडर, और आज आप देख लीजिए कि
क्या रेट है सिलेंडर का? और 2012 से और आप क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है? 2012 में तो मोदी गवर्नमेंट थी, 2014 में जो आई, मैं ये कह रहा हूँ 2004 में, 5 में, 6 में, लोग उस बात से एक अंदाज़ा लगाते हैं, वो कहते हैं 2014 में जब 400 रुपये का सिलेंडर था, आज 900 रुपये का मिल रहा है। 2012 में अनीता, मुझे नाम नहीं, रेणुका चौधरी, आप उनका इंटरव्यू देखिए, उन्होंने उसमें बोला है कि क्या एक आम आदमी 900 रुपये का सिलेंडर नहीं रह सकता, क्या एक गरीब आदमी? 900 रुपये का था, 900 रुपये का सिलेंडर सर, 900 रुपये का अब हुआ है, उस टाइम 400 रुपये सर, 400 रुपये का सिलेंडर सर। आप रेणुका चौधरी का इंटरव्यू डालना, उसमें वो उन्होंने खुद बोला है क्या 900 रुपये का सिलेंडर आदमी नहीं ले सकता क्या? आपने कहाँ देखा इंटरव्यू? आप इशारा यूट्यूब पर सर, हमारा आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे, देखा वो मेरे पास, उस क्या नाम है, फेसबुक पे भी है, मैंने उसको सेव भी कर रखा है, क्योंकि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ऐसी बहुत सी जानकारी आती है जिसको एडिटेड कर दिया जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, क्योंकि ऑफिशियल डाटा इसमें मेरा कुछ नहीं है, आप अपने लिहाज से अपनी सर्च मारें, अगर LPG का सिलेंडर जो घरेलू सिलेंडर है वो 2014 में कितने का था, ठीक है, ये दाम जो है बाद में बढ़े हैं, ये अब तक जो हुए हैं कि 800 रुपये समझो, 803 का मिलता है शायद अब, ठीक है, तो ये इतना इजाफा हुआ है। तो इसको लेकर क्या आप ये मानते हैं कि महंगाई जो है वो क्या परेशान नहीं करती? महंगाई थोड़ी बहुत आदमी को परेशान कर सकती है, लेकिन हमारा देखो विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि जो ये जो महंगाई आप कह रहे हैं कि वो आते ही इनको हटा देगी। मुझे लगता है कि मोदी जी ने फिर भी काफ़ी हद तक महंगाई को जो रोकने का काम इन्होंने करा है, कंट्रोल किया है। अगर वो सरकार भी होती तो मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल ही 400 सिलेंडर है तो वो 500, अब तक 500 ही रहता। महंगाई मुझे लगता है शायद इससे भी चरम सीमा पे जा सकती थी। बेरोजगारी के मुद्दे पर आपने बताया नहीं, आप जैसे युवा जो शिकायत कर, सर बेरोजगारी के मुद्दे उसमें क्या मैं क्या कह सकता हूँ सर, अब जैसे भी नौकरी मिली है 10 साल में, मैं ये पूछ सर देखो अब हमारे अगर मैं जिस फील्ड में हूँ वहाँ पे तो लोगों की कंपनी है जो है तो वहाँ पे तो नौकरी मिल रही है, जो आदमी पढ़ा लिखा है उसको नौकरी मिल रही है, वैकेंसी भी आती है, काबिलियत होनी चाहिए तो मिल सकती। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। नौकरी वोकरी मिल रही है क्या? नौकरी मिल रही है, योग्यता के हिसाब से मिल रही है, जो लोग पढ़ रहे हैं अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अपने एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, उन्हें नौकरी मिल रही है। विपक्ष वाले तो ये कह रहे हैं मोदी जी ने तो नौकरी दी नहीं बच्चों को, वो फिर विपक्ष जो बोलता है क्या वो सच है, आप ही बताइए, लगा रहे हैं तो सत्ता को जवाब देना चाहिए। मोदी के इतने अनगिनत काम हैं, क्या कांग्रेस ने मान ली है किसी को? वो तो सारे इकट्ठे होकर नहीं मान रहे। आप बताओ कांग्रेसियों को 5 काम जो बेहतर हुए हों ताकि कांग्रेसी सुने हमारे जरिए। कांग्रेस को तो सब पता है कि अच्छे हुए, आपको भी पता है, हमें भी पता है, वही तो कह रहा हूँ, तो आप जवाब दीजिए उनको। आप अपनी, अगर आपके कहीं पर ये लगता है कि काम ऐसा नहीं है जो देश हित के लिए नहीं है, सारा देश हित के काम है, सारे गिन लो आप। हमारी तरफ से तो मोदी के सारे काम बढ़िया हैं, स्टेट लेवल पे या क्षेत्र लेवल पे वो अलग बात है, लेकिन मोदी के ऑल ओवर काम सारे बेटर हैं। आप यामा में काम करते हैं? हाँ जी। तो 10 साल पहले क्या स्थिति थी आपकी तनख्वाह की, और 10 साल में कितनी बढ़ पाई? तो ठीक है, तनख्वाह तो बढ़ रही है, नहीं बढ़ पाई, जो भी बढ़ती है वो तो हमारा नेगोशिएशन होता है, उसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता। ये जानना चाहता हूँ जिस प्रोपोर्शनेट में महंगाई बढ़ रही है वैसे ही तनख्वाह बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? करीब 15-20 हज़ार रुपये का इंक्रीज हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ इस दौर में आपके, कि आपके इस दौर में आपको महंगाई परेशान करती है या लगता है नहीं महंगाई वहंगाई कुछ नहीं है, विपक्ष वैसे ही कर रही है, तुम्हारी सैलरी बढ़ रही है, मतलब परेशान नहीं हो? ना ना ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसे माहौल में क्या लगता है अब जनता किसको चुनेगी आगे? मोदी को चुनेगी, बिल्कुल चुनेगी। यहाँ से कृष्णपाल गुर्जर हैं, उनके नुमाइंदे, उनकी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, तो क्या उनको चुनेगी? नहीं, वो मोदी साहब हैं, कृष्णपाल गुर्जर का कोई ऑप्शन को देखकर वोट देंगे, वोट जाएगा वो, उसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं। दस साल में क्या कृष्णपाल गुर्जर अपनी खुद की इतनी इमेज नहीं बना पाए, क्योंकि वो सेंटर में मंत्री भी रहे। वो तो आपके आंकड़े आ रहे होंगे ना, क्या आंकड़े आ रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर के, मोदी के आंकड़े आ रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर का कोई आंकड़ा नहीं है, कृष्णपाल गुर्जर का कोई कोई उनके नाम पे जीत। बोल, हाँ जी सर, अपने नाम पे तो सर सांसद ये कह रहे हैं कि कामकाज हुआ नहीं, मोदी के नाम पे मिल रहा है मामला। अरे मोदी जी के नाम पे तो है ही सब काम, ये तो आज की डेट में जो वोट भी हमने भी जो डाली है वो सब मोदी जी के नाम पे डाली थी। कांग्रेस का भी नाम ले रहा है कि नहीं? कांग्रेस पे सर जब से हमने वो संभाला जब से सब डाली नहीं आज तक, ओनली वोट नाराजगी, वोट फॉर BJP ओनली। हमारे परिवार में जो हमने बताया है मतलब वही डालेंगे ना, हमारे परिवार में भी सब BJP को डालते हैं। ये जानना चाह रहा हूँ कि एक जुड़ाव होता है तो उसमें कैसे, मतलब कारण क्या? अब ये तो सर ठीक है, आप बता दें आपको पार्टी। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ओके सर, चलिए
आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी, बंटी अब चुनाव चल रहा है, बंटी का मन क्या कहता है? एक तरफ तो कृष्णपाल गुर्जर हैं बीजेपी के उम्मीदवार, दूसरी तरफ महेंद्र प्रताप हैं कांग्रेस के, क्या लगता है कौन सा बेहतर है? महेंद्र प्रताप। क्या कारण है? कारण क्या है, वो थोड़ा सही है। ये कृष्णपाल गुर्जर तो बस अपनी बिरादरी को ही देखता है, उधर ही तरक्की करा रहा है, इधर को जाए नहीं। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस के टाइम में महंगाई तो होती है पर काम धंधा तो होता ही है, काम धंधा कुछ है ही नहीं है, लोग खाली घूम रहे हैं। रोजगार नहीं है? नहीं है बिल्कुल नहीं, हम खुद 6-7 महीने से खाली घूम रहा हूँ मैं, अपना काम होते हुए भी। लोग तो कह रहे हैं कि साहब जो काबिल है उसको तो काम मिल रहा है, अभी 2-3 सज्जन मिले मेरे को यामा में लगे हुए थे, वो कह रहे हैं जहाँ हम काम करते हैं वहाँ तो काम है, लोग आते नहीं है ना। छोटे मोटे वर्करों के लिए काम नहीं है, जो बड़ी प्लांटों में काम कर रहे हैं उनके लिए तो काम है, जो छोटे मोटे काम धंधे वाले वो कहाँ जाएंगे, वो तो ऐसे भटक रहे हैं, कहीं यहाँ से मिल गया तो कर लिया, वहाँ से मिल गया कर लिया, ना मिला तो बैठे, यही हाल हुआ पड़ा है।